नमस्कार। लखनऊ विश्वविद्यालय नित्य दिन कुछ ना कुछ नया करता है। अभी हाल ही में आप सबने देखा होगा कि हमारे गेट नंबर 2 पर गौरव स्थल बना। गौरव स्थल का लोकार्पण, गौरव स्थल का शुभारंभ हमारे उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदया और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने किया था। लेकिन वो कार्य जैसे ही शुभारंभ उसका जैसे ही गौरव स्थल का शुभारंभ हुआ, उसके तुरंत बाद गेट संख्या 3 पर, ये है आपका लखनऊ विश्वविद्यालय का गेट नंबर 3, ये हमेशा बंद रहता है। तो गेट नंबर 3 अब बनाया जा रहा है और नए तरीके से बनाया जा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय में गेट नंबर 3 बड़े भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। और कैसे ये सब बन रहा है, कैसे क्या बनेगा, मैं आज कोशिश करूंगा कि कुछ आपको दिखाऊं कि अभी फिलहाल इसका काम कैसे चल रहा है। और ये गेट नंबर 3 है जो अक्सर आप बंद देखते होंगे, लेकिन अब कुछ दिन बाद जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तब उसके बाद ये खुल जाएगा और यहाँ पर यहाँ से लोग जा सकेंगे। अब हम चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर एक गड्ढा था और एक यहाँ पर गड्ढा था। ये दो गड्ढा पहले किए गए थे, इसलिए किए गए थे ताकि यहाँ से गेट शुरू होने वाला था। लेकिन जब ये गड्ढा बनने के बाद कुछ समय बाद विश्वविद्यालय ने सोचा कि ये गेट थोड़ा रोड के करीब हो जा रहा है, तो जब रोड के करीब हो जाने के कारण गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां जो होंगी उनको मुड़ने में दिक्कत होगा, इसके कारण इस गेट को थोड़ा पीछे कर दिया गया है। बहुत मजबूत नींव दिया गया है जिसमें से 2 नींव पड़ चुके हैं। नींव क्या, इसको जो भी आप समझ सकते हैं समझिए कि 4 है, 4 में से 2 पड़ चुके हैं और 2 फिलहाल, 2 में से तीसरा जो है वो पड़ना शुरू हो गया है। यहाँ से कार्य चल रहे थे, अभी बज रहे हैं 1 और 1 बजे लंच हुआ है। जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, सुबह से काम कर रहे हैं, तो 1 बजे उनकी लंच हुई है, वो लोग अभी खाना पीना खा रहे हैं, तो यहाँ पर उनका छुट्टी हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर गड्ढा करके देख सकते हैं। पहले ये इसकी थोड़ी सी हम चाहेंगे कि चौड़ाई दिखाइए, कितनी चौड़ा है इसका और इतना मजबूती से इसका काम किया जा रहा है ताकि ये आने वाले कई वर्षों तक ये टिका रहे, कोई छोटा मोटा जो भी हवा पानी और जो भी भूकंप छोटा मोटा आते हैं वो सब आसानी से सहन कर सके। ये सब चीज़ों के लिए आपको बता दें, एक ऐसा ही गड्ढा इधर भी होगा ताकि बीच से गेट निकल सके और इधर भी सेम वैसे ही मजबूती से बनाया जाएगा। इस गेट में अभी तक जो हमको जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार 3 गेट बनेंगे। इस एक गेट में 3 गेट बनेंगे। 3 गेट कैसे होंगे, एक बगल में छोटा गेट, फिर बीच में बड़ा गेट और उसके बगल में फिर एक छोटा गेट, यानी 2 अगल बगल में छोटा गेट जो हमेशा जनरली लोगों को आने जाने के लिए रहेंगे और एक बीच में बड़ा गेट रहेगा और गेट कुछ इस प्रकार से ऐसा बनेगा। अब हम कोशिश करेंगे कि जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनसे चलिए और उनसे चल करके कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं उनके पास। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग भी काम कर रहे हैं उनसे अब हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये लोग कितने दिनों से काम कर रहे हैं, भैया क्या नाम है आपका? किशन साहू। किशन साहू, ये बताइए कि इतना बड़ा काम कर रहे हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा गेट बनने जा रहा है, कब से ये काम शुरू हुआ है? ये हुआ है लगभग 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया, कब तक इसका अनुमान है बनकर तैयार होने की? अभी तो भैया जो ठेकेदार है वही बता पाए। आप इसमें क्या कर रहे हैं, मेन आपका काम क्या है? हम लोग देख रेख कर रहे हैं। देख रेख कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मटेरियल जो यूज हो रहे हैं आपके हिसाब से कैसा यूज हो रहा है? बढ़िया है, बढ़िया यूज हो रहा है। ACC का सीमेंट वगैरह सब यूज हो रहे हैं और थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। भैया लोग काफी मेहनत करके, और यहाँ पर देख सकते हैं भैया लोग खाना पीना अपना, चूंकि भाई सुबह से काम कर रहे हैं तो खाना पीना अब अपना खाना बनता ही है। भैया क्या खाना खा रहे हैं? यार नहीं बता पाएंगे। अरे खाना क्या खा रहे हैं, हम तो वो पूछ रहे हैं ना। नहीं यार, अरे आप तो बिल्कुल वो नई दुल्हनिया, अरे आप तो बिल्कुल वो नई दुल्हनिया बन गए। क्या काम कर रहे हैं इसमें? इसमें शटरिंग का काम कर रहे हैं। शटरिंग का काम कर रहे हैं। ये जो ये इतना मोटा दिया गया है ढलैया नीचे बेस में किया गया, वो कितना फुट है? वो 2 फुट है। 2 फुट का है। इतना मजबूत क्यों बनाया जा रहा है? वो पाइलिंग दिया गया है, उसको मजबूती दिया गया नीचे और ऊपर, ये हाइट तक जाएगा 4 मीटर तक, 4 मीटर तक जाएगा ये और ऊपर इसका आर्च बनेगा, गेट बनेगा। अच्छा, बहुत मजबूती से बनाया जा रहा है। हाँ, बहुत मजबूती से। जैसा वैसा वहाँ गड्ढा है उसी के बगल में भी एक और गड्ढा, एक और बगल में साइड में गड्ढा बनेगा 3 मीटर। अच्छा, आपको क्या अनुमान है कि कब तक ये बनकर तैयार होगा? अरे एक 2 महीना लग ही जाएगा। 6 महीना, 2-3 महीना, 2-3 महीना, 2-3 महीना में भैया जैसा कि बता रहे हैं कि बनकर तैयार होगा। और बाकी ये तो भैया लोग तो बिल्कुल दुल्हन बन गए बात करने के लिए। बाकी इधर भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। भैया क्या खाना खा रहे हैं? आलू चावल। आलू चावल खा रहे हैं। कब से यहाँ काम कर रहे हैं? हो गया 4-5 दिन। 20 तारीख से काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राम गोपाल। ये भैया कि आप लोग तो डेली मिलता होगा पैसा आप लोग का? जी डेली, रोज का मिल जाता है पैसा? मिल जाता है टाइम से? मिल जाता है टाइम से? नहीं सही बताइएगा, ठेकेदार सब दे देते हैं। रोज मिल जाता है पैसा? मिल जाता है। आप लोग का रोका नहीं जाता है?
नहीं रोका नहीं जाता, एक भी पैसा नहीं रोका जाता, एक भी दिन नहीं रोका जाता। कितना मिलता है? 400 रुपया रेट ही है, नॉर्मल रेट है जो अभी वर्तमान समय में वो रेट मिल जा रहा है। देख सकते हैं ये मशीन है जिस मशीन से लगातार मसाला बनते हैं। इसके अंदर गिट्टी मोरंग जो छड़ बालू है, जो छड़ कह रहे हैं, छड़ नहीं, जो भी गिट्टी बालू है और सीमेंट है वो सब मिलाया जा रहा है इसके अंदर, उसके बाद उधर गिराया जा रहा है। ये कुछ सीमेंट है जो 50 किलो की बोरी है और ACC कंपनी की सीमेंट है। ये लगा छड़ है, ये छड़ लगाए जा रहे हैं। ये खाना खा ली? खा ले हम भी। तो देख सकते हैं यहाँ पर खाना खा रहे हैं। काम करके कैसा लग रहा है? सब बढ़िया है भैया, बढ़िया है। सब बढ़िया। अच्छा ये बताइए ईमानदारी से कि पैसा कितना मिलता है? कितना पैसा मिलता है आप लोग? हम लोग अब ढलाई में आए हैं तो 500 मिलेगा। 500 मिलेगा, टाइम से मिल जाता है? हाँ, उसी दिन का, उसी दिन मिल जाता है? हाँ, उसी दिन शाम को देता है। देते हैं ना, रोकते नहीं है? नहीं नहीं रोके। अच्छा, अभी तो रोके नहीं है भाई, अभी इधर के देखना पड़ेगा। हाँ। तो उधर लेबर जो लोग हैं उनको 400 मिलता है और आप लोग को 500? हम लोग अड्डे से आए हैं ना बेटा। अच्छा अच्छा, आप लोग सिर्फ ढलैया वाला काम? हाँ, ढलैया वाला। तो ढलैया का 500 रुपया है, चूंकि इनका मेहनत वाला काम है, बालू और गिट्टी जो भारी चीज होता है वो धोना है। जी, भारी वाला चीज, आप लोग वाला चीज धो रहे हैं ना, इसीलिए। और बाकी जो लोग लेबर हैं जो परमानेंट काम करते हैं वो लोग का 400 रुपया है दाम है। कितने लोग आप लोग काम कर रहे हैं? कितने लोग काम कर रहे हैं? 350-400 है। किसका 350 है? परमानेंट का। अच्छा, लेबर का? जी, लेबर का। नहीं, अब भाई बात किया तो 400 बताया कि 400 है। 400 है। कितने लोग आज आई है काम करने? आज हम लोग आए 10 आदमी। 10 लोग आए हैं? 8 से आए। कब तक आप लोगों को बताया गया, कितने दिन का काम है? अब पता नहीं भैया, बताया नहीं है काम कितने दिन का है, कल बस क्या बताया है। अच्छा, बताया नहीं है, इतना दिन से काम है। अच्छा, आप लोग काम देख रहे हैं, क्या लग रहा है कितने दिन तक अभी चलेगा आप लोग का काम? अब पता नहीं भैया, बुलाएगा तो आएगा, नहीं जब बुलाएंगे तब आएंगे। हाँ, बाजार वाला है हम लोग। नहीं, बताइए एक बात बताइए कि जब यहाँ कमावा खत्म हो जाता है, जब काम नहीं होता है तो क्या करते हैं आप लोग? क्या काम करते? चौराहा में जाके फिर काम मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो घर बैठ जाते हैं। खर्चा पानी कैसे चलता है? कैसे चलेगा, यही इसने चलते है भैया, इसी में सब बचा कर रखते हैं। एक दो पैसा बच जाता है, नहीं काम करेंगे तो वही हमारे खबर कर लेता है। और घर में कौन कौन है? कौन कौन है? आदमी है, बेटा है, बहू है, नाती है, नतनी है, सब लोग हैं, सब कोई है। तो बाकी लोग क्या करते हैं? घर बैठे हैं। बाकी लोग आप नहीं करते हैं? बहू और बेटा और आदमी और हम और नाती नतनी। आपके आदमी काम नहीं करते हैं? कहाँ, मारी घुटना मारे नहीं चल पाते है। परेशानी है मतलब? बेटा है, तुम्हारे जैसे बेटा है। क्या करता है बेटा? उसको भी कमजोर हो गया तो घर में रहता है, तो वही तो कहा था। वो लोग कमाने वाला है बता रही है आपके बारे में? नहीं, बहुरिया हम भी कमाते हैं और इन लोग ना 6 आदमी घर में बैठ के खाते हैं। दो लोग कमाते हैं, 6 लोग खाते हैं। हाँ, अब वही खाना पीना यही चला थे, अब क्या चलेगा। इसमें तो काम नहीं मिलता होगा तो दिक्कत होता होगा? दिक्कत तो होवे करेगा भैया, बताओ। 6 लोग खाते हैं और 2 लोग आपके घर, कितने लोग काम करने वाले है? 2 लोग तो हम बेटा खाने वाले, खाने वाला है, नाती पोता बहू बेटा। बेटा बेटा काम करते हैं? हाँ, करते हैं, करते हैं, करते हैं, काम करते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यही है कि जब काम मिल रहा है तब तो ठीक है, लेकिन काम नहीं, इसका फिक्स नहीं है कि काम रोज मिलवे करे। नहीं मिलता है बेटा, रोज नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा तो कुछ होता नहीं है। हाँ, कितने दिन पर मिलता है कमवाई? हाँ, हमेशा मिलता है? कितने दिन पर मिलता है? महीना में कितने दिन तक मिलता है? अरे कोई 4 दिन 8 दिन पर। महीना में 4 दिन 8 दिन 15 दिन ऐसे मिलता है। तो महीना में 4 दिन 5 दिन 8 दिन जो भी मिल जाए, जैसा काम चल रहा है वैसा मिलेगा, नहीं चल रहा है। और भैया आपका क्या नाम है? विष्णु। विष्णु, आपको काम कैसा मिलता है? काम ऐसे मिलता है कि लग जाता है, चले जाते हैं। आपको भी ऐसे ही मिल गया तो कर रहे हैं? नहीं मिला बस ऐसे करते हैं। और भैया आपका क्या नाम है? ठीक है, पंकज। पंकज नाम है। आपको काम कैसे मिलता है, मतलब रेगुलर मिलता है कि आपको भी ऐसा? कहूं भाई चांस मिलेगा तो मिल गया, नहीं तो भैया बैठे हैं। तो आप लोग लेबर वाला काम नहीं करते हैं जो परमानेंट मिलता है? नहीं नहीं, लेबर परमानेंट ही मिलता ही ना है। लेबर जो लोग हैं ठेकेदार के अंडर में, उनको तो मिलता होगा ना? हाँ, उनका भाई मिलते हैं, लेकिन उनका आप लोग से कम पैसा मिलता है, 350-400। हाँ, हमका सबका 500। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग भी काम कर रहे हैं उनको परमानेंट काम नहीं मिलता, ये सबसे बड़ी समस्या है। और बाकी
जी 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 बड़ा बढ़िया बात बता रही है, बताइए क्या नहीं है। ठेकेदार में चले जाओगे तो पैसा के लिए कहाँ उसका घर ढूंढोगे। अच्छा ठेकेदार पैसा नहीं देता है जो परमानेंट काम करेंगी वो, इसीलिए आप लोग परमानेंट नहीं करते हैं, दम जाते जाते रोज काम कर लेते हैं, रोज पैसा ले लेते हैं। ठेकेदार लोग पैसे कहाँ ले देते हैं, वो तो बड़ा कमाते हैं, गद्दारी कर देते हैं ना, गद्दारी कर देते हैं ना, गद्दारी कर दे पैसा तो कम देते हैं। हाँ पैसा भी कम देता है, वो भी समय से नहीं देता, समय से नहीं देगा तो कहाँ, अरे कुछ काम होगा घर पर तो तुम कहाँ पहुँच पाएंगे हम लोग, आप लोग के घर भी खर्चा होगा। हाँ घर के खर्चा भी है, सब देना लेना लगे भैया, रोज खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, रोज खोदने वाला रोज पीने वाला है तो कहाँ से, नहीं खोदेंगे तो मिलेगा भी नहीं पानी, इसीलिए आप लोग काम नहीं करते हैं ये वाला ठेकेदार के अंडर। तो देख सकते हैं कई सारी समस्याएं हैं जो आम तौर पर जो लोग नहीं समझ पाते हैं कि ठेकेदार लोग यही सोचेंगे कि ठेकेदार के अंडर में क्यों नहीं कोई काम करता है, जब उनको परमानेंट काम मिलता है तो बन रहा है। अब आपके अंदर उत्सुकता इस बात की होगी कि गेट नंबर 3 कितने रुपए में बन रहा है, कितना इसका खर्च है, कितना इसकी लागत है। तो मैं अब आपको लागत इसकी बता दूं कि गेट नंबर 3 का जो लागत है वो लगभग 1.5 करोड़ रुपया इसके लिए पास हुआ है, यानी 1.5 करोड़ रुपया में ये बनकर तैयार होगा। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि 1.5 करोड़ रुपया जब लगेगा तो कितना भव्य और कितना शानदार ये गेट बनेगा, कितना मजबूत बन रहा है। ये तो हम बार बार जिक्र आपसे कर ही रहे हैं कि बहुत मजबूती से बनाया जा रहा है, लेकिन 1.5 करोड़ रुपये मतलब आप समझ सकते हैं कि हम आम तौर पर किसी का घर देखते हैं बहुत बढ़िया शानदार घर, और वो कहता है कि हमारा घर 1 करोड़ 1.5 करोड़ लगा हुआ है इसको बनाने में। तो जब एक घर बढ़िया शानदार घर बनता है 1.5 करोड़ तो बहुत ही शानदार घर दिखता है। तो वैसे ही अब जब एक सिर्फ गेट बनाने में 1.5 करोड़ रुपया लग रहा है तो बहुत ही शानदार बनेगा। ये लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए बहुत अच्छा है और लखनऊ विश्वविद्यालय के सभी व्यक्ति इससे जब आएंगे, जब यहाँ से निकलेंगे या फिर कोई बाहरी व्यक्ति जब आएगा गेस्ट तो इस रास्ते से जाएगा तो वो भी कहेगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय का जो गेट है, जो प्रवेश द्वार है, वो बहुत ही शानदार है। बाकी इस पर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे हमारे मित्र विवेक हैं और सुमित सिंह चौहान है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम थे लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 3 जो निर्माणाधीन है, जो निर्माण हो रहा है उसके अनुसार। बहुत बहुत धन्यवाद।